हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका लास्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है और चैप्टर को एंड अप करते हैं। टॉपिक इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दो टॉपिक बचते हैं, इसमें छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे आपको। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमें बिजनेस में जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, बेसिकली फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाना है उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो क्या बिजनेस में जब आप पैसा लगाने की बात करते तो पहले ही दिन डिसाइड नहीं कर लेते होंगे कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में लगना है और कितना हमें रूटीन एक्टिविटीज के लिए रखना है? तो जो पैसा फिक्स्ड एसेट में लगना है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। फिक्स्ड कैपिटल मींस द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल। कह रहे इसमें क्या होता है कि हम फर्म की कैपिटल यानी कि फर्म के पैसे को कैसे एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और असेट्स विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस, जिससे कि बिजनेस के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आए। तो हम कैसे अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं डिफरेंट एसेट्स में, जिससे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। क्लियर हो गई बात? अब उसके फैक्टर्स देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, यानी कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि हमें ये बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी और अगर ऐसा है तो फिक्स कैपिटल कम लगाना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला कारण क्या है, नेचर और टाइप ऑफ बिजनेस। इधर समझना कि हमारा बिजनेस दो तरह का हो सकता है, या तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या फिर हमारा बिजनेस होता हो सकता है ट्रेडिंग। आप खुद सोचे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स एसेट में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम? ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री है तो आपको मशीनरी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, सब काम करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड इस केस में फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स ज्यादा होंगे। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक जगह से स्टॉक बिजनेस गुड्स खरीदना दूसरी जगह, यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इस केस में हमारी फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स कम होते हैं। समझ आ गई बात? तो एक बार पहला पॉइंट रीड करते हैं। द ट्रेडिंग फर्म नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सिंस इट डज नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें हमें प्लांट मशीनरी नहीं खरीदनी होती। क्लियर? नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, सॉरी कि आपका जो बिजनेस है वो आप किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा। और अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप इसमें ऐसे एरो भी लगा सकते हैं कि बिजनेस जो नेचर है, नेचर के ऊपर आप एरो लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है फिक्स कैपिटल ज्यादा या फिक्स एसेट ज्यादा, और अगर ट्रेडिंग है तो फिक्स एसेट कम। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, दो स्केल हो सकते हैं, वहां से आप स्केल ऑफ ऑपरेशन से एरो निकालें, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अगर लार्ज स्केल है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल है तो फिक्स कैपिटल लिखा है वहां पे रीड करते हैं। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल नीड्स बिगर प्लांट, मोर स्पेस एंड देयरफॉर रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई बात? जी। नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा दो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, सबको पता है, एक तो कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव, पता है सबको? तो दो टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सबको दोनों का मतलब पता है? जी। अब मुझे कैपिटल इंटेंसिव में फिक्स्ड एसेट ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए। और इसमें लेबर इंटेंसिव में फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल? लेस। आप रीड कर लें एक बार।
कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात जी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए। कह रहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कार्ड या डीग्रेड बहुत जल्दी होती है। अगर मैं कहूँ कंप्यूटर कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत जल्दी पुरानी होती है, वो अपने आप को बहुत जल्दी अपग्रेड करना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। देखो क्या लिखते हैं, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एसेट बिकम ऑब्सोलीट वेरी सून। एसेट बहुत जल्दी ऑब्सोलीट यानी पुराने हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली देयर रिप्लेसमेंट ऑल्सो बिकम्स ड्यू फास्टर, और हमें उन्हें रिप्लेस भी जल्दी कराना पड़ता है। देयरफॉर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सोच के बताएंगे कि अगर आपकी बिजनेस जो है उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि वो हम ग्रो कर सकते हैं तो फिक्स एसेट ज्यादा या कम? ज्यादा। और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है, आप बाद में पढ़ लेना। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं। अगर आपका बिजनेस आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं यानी कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड भी में भी एंटर करना चाहते हैं तो आपको फिक्स एसेट्स ज्यादा। लाइक अभी आप स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप सीमेंट इंडस्ट्री का भी एक प्लांट खोलना चाहते हैं तो पैसा तो ज्यादा चाहिए ना, फिक्स एसेट भी ज्यादा चाहिए, मशीनरी भी ज्यादा चाहिए। तो जब भी देखो क्या लिखते हैं, अ फर्म चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल अ टेक्सटाइल is diversifying and starting a cement manufacturing plant, with diversification investment in fixed asset will increase, so fixed capital requirement is higher. तो हमारी fixed capital की जो requirement है वो बढ़ जाएगी। Next, fixed capital खत्म हो गया, कोई point में कोई doubt? दो शब्द। और इसकी कोई short form नहीं बनानी, easily याद हो जाती है, ठीक है? Nature of business, scale of operation, diversification, growth prospects, और चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। बेटा जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी पैसा चाहिए। रूटीन का खर्चा कैसे निकलेगा उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस जो काम करने के लिए पैसा कैपिटल चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म के शॉर्ट टर्म एसेट्स में, वो लॉन्ग टर्म में था, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स में है। द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स स्मूथ वर्किंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। इससे क्या होता है, हमारी जो वर्किंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन है वो कैसी हो जाती है, स्मूथली कैरी ऑन हो जाती है, क्योंकि हमने पैसा रखा हुआ है इन कामों के लिए भी। क्लियर जी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, हमारे को किस बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको इफेक्ट करने वाले कुछ कारण। बेटा फैसिलिटेट्स वर्ड दो बार है, वहां पे एक बार डिलीट कर लेना। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन मिल गया, लास्ट लाइन सर। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस, इधर लिखा ही है हमारे पास, दो नेचर होता है। अब इन दोनों बिजनेस में अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम। बेटा सोच के बोलेंगे, ये नहीं कि ये इससे ऑपोजिट है। आप फैक्ट्री चला रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे रूटीन के खर्चे कम हो जाएंगे, हाँ? और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रूटीन के खर्चे इसके कंपैरेटिवली तो कम ही होने वाले, इसके ज्यादा होंगे। क्यों? रूटीन के खर्चों में हम कह सकते हैं सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बताओ अगर फैक्ट्री चला रहे हो तब सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी या एक दुकान पे ज्यादा वर्कर रखे रहेंगे? तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज्यादा है, और अगर ट्रेडिंग होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाती है। क्लियर हो गई बात? सेम पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये भी सेम है। अगर आप लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो सेम आगे दोनों पॉइंट। पॉइंट नंबर थ्री इज डिफरेंट, बिजनेस साइकिल। देखो बेटा हमारे बिजनेस साइकिल जो चलती है वो कुछ ऐसे चलती है जी।
दिस इज बूम, यानी कि जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, टॉप पे चल रहा है। दिस इज रिसेशन, यानी कि बिजनेस डूब रहा है। दिस इज डिप्रेशन, डूब गया। एंड दिस इज रिकवरी, और रिकवरी के बाद फिर से आता है बूम। ये साइकिल ऐसी चलती रहती है हमारे बिजनेस की। अगर मार्केट में बूम है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम? कम चाहिए। यहाँ पे सेल्स ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, खर्चे ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिप्रेशन में सब कुछ कम, प्रोडक्शन कम कर देंगे, लोगों को निकाल देंगे, तो हमें रूटीन के खर्चे कम हो जाएंगे। तो यही लिखा है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ बूम, प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स आर लाइकली टू बी हायर। सेल ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट द वर्किंग कैपिटल विल बी हायर। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट में ड्यूरिंग डिप्रेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लोअर, सिंस सेल्स प्रोडक्शन पे विल बी लो, क्योंकि वहां पे कम होगी तो हमें सब पैसे कम चाहिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर बताएंगे। अगर आपका बिजनेस का अभी सीजन चल रहा है, पीक सीजन, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा या कम? ज्यादा। और अगर लीन सीजन चल रहा है, लीन मतलब जब ऑफ सीजन आप बोलते हैं इसे, तो सीजनल फैक्टर में है। अगर सीजन है तो पीक सीजन में हाई वर्किंग कैपिटल, और लीन सीजन में लो वर्किंग कैपिटल। देखो क्या लिखते हैं, इन पीक सीजन, पॉइंट नंबर फोर, इन पीक सीजन हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत हाई लेवल पे चलेंगी। As against this, the level of activity and therefore working capital requirement will be low during the lean season. Lean season में जो requirement है आपके कम हो जाएगी। Clear हो गई बात? कोई problem इसमें? यहाँ पे आप arrow लगा के लिख सकते हैं peak और lean. Peak में working capital ज्यादा, ऐसे arrow लगा के peak lean. Peak में working capital ज्यादा और lean में working capital कम। यही कहीं आपको याद हो जाते हैं, ये जो tricks हैं आसान बना देती है चीजों को। Next is द प्रोडक्शन साइकिल। देखते बेटा प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है। हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी, हम बिजनेस में कैश लेके आए और हमने पैसा इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट से, मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल पहले वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ। लाइक मैंने, सपोज करो मैंने नमकीन बनानी है, तो मैंने उसके लिए बेसन खरीदा और मसाले खरीदे, ऑयल खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल आ गया, उसको मैंने प्रोडक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा इंसर्ट करा, जितना अभी बनाना है उस हिसाब से बेसन लगाया, मसाले लगाए, तेल लगाया, तो वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। कुछ समय बाद वो फिनिश गुड्स में बन जाएंगे। किस में हो जाएंगे? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इनकी सेल होगी। अगर सेल हुई उधार में, तो आएंगे सेल के बाद डेटर्स, और फिर थोड़े समय बाद डेटर्स से पैसा आ जाएगा, और वो पैसा फिर से घूम के बिजनेस में लग जाता है जी। और अगर ये सेल हुई कैश में, तो सीधा यहां पे आ जाएगा कैश। समझ रहे हो बात को? ये होती है मेरी बिजनेस साइकिल। दिस इज व्हाट बिजनेस साइकिल। मेरे को यहां बिजनेस साइकिल नहीं पढ़ाना, मुझे क्या पढ़ाना है? प्रोडक्शन साइकिल। ये होती है मेरी प्रोडक्शन साइकिल। जब मैंने पैसा लगाया, रॉ मटेरियल आया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, और फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गए, ये होती है मेरी प्रोडक्शन साइकिल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके लिए बेटा इधर समझते हैं, नमकीन वाला, उसमें आप रॉ मटेरियल आए, पैसा लगने के बाद, रॉ मटेरियल आने के बाद एक से दो दिन आपका वर्किंग प्रोग्रेस रहा, तीन दिन बाद आपकी नमकीन बन के तैयार, चौथे दिन उसकी पैकिंग हुई, फिर उसको बोरे में डाला गया, ऑर्डर लिया गया, ट्रांसपोर्ट पे ले जाके उसको डिलीवर किया गया, और मान लो ये सब करने में 7-8 दिन लग गए टोटल। उसको जो पेमेंट दी, उसने कहा सर 10 दिन बाद पैसे आएंगे। पेमेंट की बात छोड़ो, मेरे को बनाने में कितना टाइम लगा? 7-8 डेज। ये तो एक स्मॉल स्केल बिजनेस बताया मैंने।
अगर मैं इसमें लार्ज स्केल बिजनेस की बात करूं, लाइक आप कोई कार बना रहे हैं, आप एरोप्लेन बना रहे हैं, बड़ी कंपनी है कोई, अब ध्यान से सुनना, उस बड़ी कंपनी को कुछ पार्ट्स तो अपने पास बनाने हैं, कुछ पार्ट्स इंडिया के अंदर से आएंगे, कुछ पार्ट्स इंडिया के बाहर से भी आएंगे, इंजीनियर आएगा उसको असेंबल करेगा, पॉलिश होगी उसको बाइंड करेगा, सब कुछ करके तैयार करने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, इसको भी अगर छोटे लेवल पे लेके आओ, एग्रीकल्चरिस्ट, किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद जब फसल तैयार होती है 4 से 5 महीने लग जाते हैं फसल तैयार, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होगी यानी कि कटिंग होगी, उनकी क्लीनिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, पैकिंग होगी, फिर प्रोडक्ट बिकता है, बिकने के बाद भी 10-15 दिन बाद पेमेंट आती है। पेमेंट छोड़ो, बन के तैयार होने में, जिस दिन सीड लगाया और जिस दिन तैयार हुआ उसमें भी 5 महीने तो लगते हैं, उसमें साइकिल कितनी हो गई आपकी, प्रोडक्शन साइकिल 5 से 6 मंथ्स। अब ये 5 से 6 महीने क्या किसान को पैसा नहीं चाहिए होगा अपना घर चलाने के लिए या सीड्स डालने के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पैसा चाहिए ना? तो कह रहे जितनी बड़ी वर्क प्रोडक्शन साइकिल उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और जितनी छोटी प्रोडक्शन साइकिल उतना कम वर्किंग कैपिटल, क्योंकि 7 से 8 दिन में बिकेगा, 10 दिन में पेमेंट आ जाएगी, टोटल 20 दिन में आ जाएगी, तो आपको पैसा कम चाहिए ना, 20 दिन का खर्चा निकालना है, यहाँ कितने महीने का खर्चा निकालना है, 6 महीने, 6 महीने के बाद बिकने के बाद भी पता नहीं कितने दिन में पेमेंट आएगी। तो जितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल होगी उतना ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब समझाया मैंने आपको, पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन यानी टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये बताया रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू, इस गैप को बोलते हैं हम प्रोडक्शन साइकिल। सम बिजनेस हैव लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल व्हाइल सम हैव शॉर्टर वन। अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड। द लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ fund required. On the other hand, shorter production cycle lower the working capital required. जितनी छोटी होगी आपको working capital कम चाहिए। Clear हो गई बात? Next point, credit allowed. सोच के बताना हम credit दे रहे हैं या credit मिल रहा है? दे रहे हैं, तभी तो allowed लिखा है। Credit allowed. अगर आप credit allow ज़्यादा दिनों के लिए कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा। क्यों? आप उधार बांट रहे हैं, पेमेंट आनी है 2 महीने बाद, जो लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, जो रेंट जाना है, वो तो 2 महीने वेट नहीं करने वाले, आपको वो पैसा कहाँ से देना पड़ेगा? जेब से, क्योंकि आपकी पेमेंट 2 महीने बाद आनी है। तो जितनी ज्यादा आप क्रेडिट अलाउ करेंगे उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। देखो क्या लिखता है, डिफरेंट फॉर्म अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर। कह रहे हर फॉर्म अलग उधार देती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी, दीज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फॉर्म फेसेस। पहली बात तो कितना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, एज वेल एज द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ देयर कस्टमर, यानी कि जिसको उधार दे रहा है वो कस्टमर कैसा है। अगर कोई रेप्यूटेड कस्टमर है और अच्छी पार्टी है, वो उधार मांग रहा है, तो उसे 10 दिन फालतू भी दे देते हैं, उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर, समझ आ गई बात? नेक्स्ट, क्रेडिट अवेल्ड मतलब हमें जो उधार मिल रहा है। अगर आपको क्रेडिट अवेल्ड अच्छा है, मतलब आपको उधार अच्छे समय के लिए मिल जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम? कम। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो फ्री में आ रहा है ना, बना के फाइनल गुड्स तैयार करके बेच देंगे, पैसा आएगा तो दे देंगे, तो अपना पैसा तो कम लगाना पड़ेगा ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। पढ़ते हैं, If firm gets more credit period on its purchase from the supplier, then the working capital requirement is reduced. तो आपकी working capital की जो requirement है वो कम हो जाएगी। Clear हो गई बात? चल, फिलहाल के लिए आज chapter खत्म, अभी बाकी हम पढ़ेंगे next video में, अभी के लिए bye bye.